विद का मैं क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करता हूँ। क्वेश्चन 12 में इसने बोला है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन प्लस पी एक्स क्यू वन प्लस पी वाई क्यू वन प्लस पी जेड क्यू इक्वल टू दिस। आपको पता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोशिश करते हैं कि इस तरीके का ऑपरेशन लगाए, राइट हैंड साइड आए या फिर ज्यादा से ज्यादा जीरो आए। बट राइट हैंड साइड कह रही है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो एक्स माइनस वाई कब आ सकता है? अगर आप आर वन माइनस आर टू कर दें। वाई माइनस जेड कब आ सकता है? जब आप आर टू माइनस आर थ्री कर दें। तो हमने ऑपरेशन लगाया आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू व आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री और लेफ्ट हैंड साइड। तो आप मान के चले कि ले ही रखी हमने। तो यहाँ आया आपके पास एक्स माइनस वाई और ये आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वन से वन कैंसिल, पी एक्स क्यू माइनस पी वाई क्यू, ठीक होगी बात। यहाँ आया आपके पास वाई माइनस जेड, ये आया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वन से वन कैंसिल और पी वाई क्यू और माइनस आ गया आपके पास पी जेड क्यू। यहाँ आ गया जेड, जेड स्क्वायर वन प्लस और पी जेड क्यू। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो बेटा ऊपर आप देख रहे हो एक्स माइनस वाई कॉमन और यहाँ भी, लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखना पड़ेगा पहले। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स माइनस वाई और इसको लिख दिया तुमने x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब बेटा इसकी बारी आई, देखो p हमने कॉमन ले लिया और अंदर बच गया आपके पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्यों ना हम फॉर्मूला ब्रेक कर दे सीधा सीधा। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का हम फॉर्मूला ब्रेक कर रहे हैं, तो ये लिख दिया आपने x क्यूब माइनस वाई क्यूब का x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, यही होता है ना फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ आपने देखा वाई माइनस जेड और यह आया आपके पास वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड और यहाँ भी हमने पी कॉमन ले लिया और अंदर आ गया आपके पास फॉर्मूला वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक होगी ना बात। उसके बाद बेटा आर थ्री में कोई ऑपरेशन नहीं, आर थ्री एज इट इज। अब आप देख रहे हो आर वन में एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई वनिश लिया जा सकता है। तो हमने लिखा यहाँ पर आर वन से एक्स माइनस वाई व आर टू से वाई माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। बेटा जब हमने उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ आ गया एक्स माइनस वाई और यहाँ आ गया वाई माइनस जेड। तो जब उभयनिष्ठ लिया तो कितना आ गया ऊपर, यहाँ तो वन आ गया बेटा, एक्स माइनस वाई बाहर चला गया तो एक्स प्लस वाई और यहाँ आया पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। यहाँ आया वन, वाई माइनस जेड तो बाहर है, वाई प्लस जेड और पी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास वाई जेड। यहाँ आया जेड, जेड स्क्वायर और वन प्लस पी जेड क्यूब, ठीक होगी बात यहाँ तक। तो बेटा एक तरीका ये है कि तुम इसका यही आर वन के साथ एक्स प्रसार कर दो, लेकिन आप देख रहे वन में से वन जाके जीरो बन रहा और यहाँ वाई से वाई कटेगा एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स राइट हैंड साइड में है भी, तो क्यों ना एक ऑपरेशन और लगा दे, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू करने पर। तो बेटा हमने आर वन माइनस आर टू किया तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड तो पहले से ही बाहर है। यहाँ जब आर वन माइनस आर टू तुमने किया, वन में से वन गया जीरो, वाई से वाई कैंसिल, एक्स माइनस जेड। बेटा जब इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो पी तो फटाक से कॉमन आ गया और अंदर क्या क्या बच गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दोनों माइनस के हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई जेड, ठीक होगी ना बात। देख लो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, पी तो कॉमन है ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, एक मिनट बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये था माइनस जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर और माइनस वाई जेड, ठीक होगी बात। आर टू आर थ्री एज इट इज है, तो आर टू आर थ्री का मतलब इनको हमने एज इट इज नोट कर दिया। तो बेटा यहाँ आप समझे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जीरो, एक्स माइनस जेड यहाँ से हमने पी कॉमन लिया हुआ था ही, अंदर हमने फैक्टर कर दिए, जो एक्स स्क्वायर था माइनस का जेड स्क्वायर था उन दोनों को एक साथ लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हमने एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड,
बाकी के जो दो बचे हमारे पास एक्स वाई और वाई जेड, उनमें से प्लस का वाई कॉमन आ गया एक्स माइनस जेड। अब आप देख रहे बेटा एक्स माइनस जेड यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन, और एक्स माइनस जेड यहाँ से भी कॉमन और जीरो से भी कॉमन, तो एक्स माइनस जेड पूरे से कॉमन आ सकता है। तो आर वन से एक्स माइनस जेड वेनिस्ट लेने पर तो ये आया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। जब हमने वेनिस्ट लिया तो ये आ गया जीरो और ये आ गया वन, ठीक हो गया ना बात भाई। ये आ गया जीरो, ये आ गया वन, यहाँ से एक्स माइनस जेड वेनिस्ट जब गया तो पी तो था ही अंदर, आपके पास जो बचा यहाँ एक्स माइनस जेड जाने के बाद एक्स प्लस जेड बचा और यहाँ बचा बेटा आपके पास वाई। ये आपने एज इट इज नोट कर दी सी ओ आर टू और आर थ्री। अब इसमें आप आर वन के साथ एक्स प्रसार कर दो तो फटाक से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दो ही लाइन रहेगी, ज्यादा नहीं, बेटा थोड़ी सी कोशिश करें होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने जा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में इसने दिया है 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2 पी, और कुछ इस अंदाज में इसने क्वेश्चन दिया बराबर 1 प्रूव करना। बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो आप मान के चलो कि ली हुई है ही, यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन लगाओ ताकि ये पी क्यू थोड़े से कम हो सके, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसका ऑपरेशन कर दोगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू बहुत सारा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वन लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पी है यहाँ टू पी है, अगर ऊपर भी टू पी लिख दें और नीचे से घटा दे तो पी खत्म, ऊपर तीन की मल्टीप्लाई कर दे थ्री पी और नीचे से घटा दे तो यहाँ भी खत्म। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ आर टू टेंस टू आर टू माइनस टू आर वन, यानी नीचे से ऊपर घटा रहा हूँ। जब टू की मल्टीप्लाई होगी टू से टू घटेगा, ये भी जीरो आ रही, देखो जीरो भी आ रही ना। ऐसे ही आपने आर थ्री में ऑपरेशन लगाया आर थ्री माइनस थ्री आर वन। बेटा ऑपरेशन को गहराई से बैठ के इनको सोचा भी करो, क्यों लगे ऐसे ऑपरेशन, नहीं समझ में आता पूछा भी करो। तो ये आ गया आपके पास आर वन में कोई ऑपरेशन नहीं है तो वन वन प्लस पी और वन प्लस पी प्लस क्यू। बट आर टू में ऑपरेशन है, क्या आर टू में ऑपरेशन है, ऊपर टू की मल्टीप्लाई करो घटाया जीरो, ऊपर टू की मल्टीप्लाई करा, देखो टू की मल्टीप्लाई करी घटाया टू पी से टू पी जीरो और थ्री माइनस टू कितना आ गया वन, ऊपर टू की मल्टीप्लाई है बेटा ध्यान दें तो फोर से टू गया टू, ऊपर टू की मल्टीप्लाई टू पी थ्री पी से टू पी चला गया प्लस पी और टू क्यू खत्म। यहाँ आओ जीरो, क्योंकि उस बार तीन की मल्टीप्लाई करके घटा रहे ऊपर, तीन की मल्टीप्लाई करी छः में से तीन गया तीन और यहाँ आप देख रहे थ्री पी खत्म। यहाँ तीन की मल्टीप्लाई करी दस से तीन चला गया सात, तीन की मल्टीप्लाई करी थ्री पी तो छः पी माइनस थ्री पी तो प्लस के थ्री पी आ गया और थ्री क्यू खत्म हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। बेटा जिसको कैलकुलेशन समझ नहीं आती तो वो जोड़ घटा रफ में अलग से करके देख ले, किसी को कई बार जल्दबाजी में समझ नहीं आता तो बेटा वो अपनी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अलग से रफ में करके देख ले, रफ कॉपी पास में रखा करो या बोर्ड वगैरह या स्लेट वगैरह जो भी उस पर आप करके देख ले, फिर भी समझ नहीं आता पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे बेटा बिल्कुल सही चल रहे हम, दो एलिमेंट जीरो आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि सी वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब हमने सी वन के सापेक्ष प्रसार करा तो वन, और वन का उपसारण क्या लिख देंगे हम वन टू प्लस पी थ्री और सेवन प्लस थ्री पी, वन टू प्लस पी थ्री सेवन प्लस थ्री पी, बाकी तो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे लग रहा। वन की मल्टीप्लाई करी तो सेवन प्लस थ्री पी, थ्री की इधर मल्टीप्लाई करी और माइनस भी लगेगा साथ में तो छः और माइनस का थ्री पी, थ्री पी से थ्री पी कैंसिल, सात से छः चला गया एक। तो बेटा समझ आ गई होगी बात मुझे उम्मीद है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इधर कोस अल्फा प्लस डेल्टा कोस बीटा प्लस डेल्टा कोस गामा प्लस डेल्टा बराबर जीरो। तो बेटा ध्यान रहे कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ली हुई है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ देखो कोस अल्फा प्लस डेल्टा, अगर इसको ब्रेक कर दें तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। अल्फा बीटा गामा हमारे वेरिएबल हैं, डेल्टा तो स्केलर में आ गया, चलो उस बात को भी छोड़ो तुम। ये आ गया कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। तो बेटा अगर ऐसी ही एक कॉलम इधर भी कोई सी बन जाए तो जीरो बनने के चांस हैं। यहाँ देखो कोस अल्फा, कोस अल्फा में कोस डेल्टा की मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दो,
फिर माइनस, फिर इसको माइनस कर दें साइन अल्फा, साइन अल्फा हम कहेंगे मल्टीप्लाई कर दें साइन डेल्टा की, यानी कोस अल्फा का मतलब सी टू, यानी सी टू मल्टीप्लाई कोस डेल्टा। देखो कोस अल्फा मल्टीप्लाई कोस डेल्टा, तो ये क्या है हमारा सी टू, तो सी टू में कहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कोस डेल्टा, माइनस ये क्या है आपका सी वन, और सी वन में कहेंगे मल्टीप्लाई कर दिया हमने साइन डेल्टा, और कहेंगे टेंस टू लिख दो आप सी टू टेंस टू लिख दो चाहे आपको दिक्कत नहीं। ऑपरेशन क्या लगाया सी टू टेंस टू सी टू कोस डेल्टा माइनस सी वन साइन डेल्टा, तो यानी ये जो सी टू है इस पूरी में कहें कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बेटा कोस डेल्टा, और सी वन में कहें कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम साइन डेल्टा, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ रफ में ये सब चीजें, और सी टू माइनस सी थ्री कर रहे हैं, तो क्या बेटा सी वन में कोई ऑपरेशन है नहीं, तो सी वन को एज इट इज, तो सी वन को एज इट इज का मतलब साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, ठीक हो गया ना बात बेटा। सी टू में ऑपरेशन, सी टू में ऑपरेशन क्या है कि सी टू के साथ कोस डेल्टा की मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो सी टू में कोस डेल्टा की मल्टीप्लाई की कोस अल्फा सॉरी कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस सी वन, सी वन में क्या था साइन अल्फा, और मल्टीप्लाई कहा कर दी साइन डेल्टा, देख लो कोस अल्फा कोस डेल्टा मैंने साइन अल्फा साइन डेल्टा। अब दूसरे एलिमेंट पे चलो बेटा, तो दूसरा एलिमेंट क्या है ये, तो कोस बीटा ऊपर से मल्टीप्लाई कोस डेल्टा की, तो ये आ गया कोस बीटा कोस डेल्टा, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाया और यहाँ कितना आया साइन बीटा और साइन डेल्टा, तीसरे में आ गया आपके पास कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा, ठीक होगी ना बात। देख लो आप यहाँ, अब आप क्या करो सी थ्री, सी थ्री को अगर एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म करना चाह रहे तो सी थ्री को आप ओपन कर दो, कोस अल्फा प्लस डेल्टा को आप क्या लिख दोगे कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा और साइन डेल्टा, चेक करो यही है नहीं है, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ भी यही है कोस अल्फा कोस डेल्टा साइन अल्फा साइन डेल्टा। बेटा दूसरा एलिमेंट कोस बीटा प्लस डेल्टा, इसका कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा, ऐसे ही यहाँ कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा, ठीक हो गई ना बात। तो आप देख रहे हैं यहाँ से सी टू बराबर क्या है सी थ्री, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो, दिस इज द राइट हैंड साइड। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, आप लोग थोड़ा सा हौसला रखें और इन क्वेश्चंस को करें, चैप्टर हमारा खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम है उसको आप पूछ लें, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।